पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिहाफ के ऊपर मैं आप सबको वेलकम भी करता हूँ, सलाम भी करता हूँ, थैंक यू भी करता हूँ कि सुबह आप तशरीफ लाए. वी हैव गॉट द पीसीबी चेयरमैन मिस्टर रमीज राजा एंड विद हिम वी हैव गॉट इनकमिंग चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर फैसल हसनैन. हम इससे पहले कि शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फोन्स को काइंडली एयरप्लेन मोड के ऊपर कर दें, साइलेंट कर दें प्लीज, अपने फोन्स को साइलेंट पे कर दें. आपको भी और रमीज भाई को भी इसके बाद एक दूसरे इवेंट पे जाना है, सो वील ट्राई टू रैप इट अप लेटेस्ट बाय 11:45. सो वी विल हैव हाफ एन आवर जिसमें हम आपके सवालों के जितने भी जवाब देने की कोशिश करेंगे. रमीज भाई विल प्रोवाइड यू एन अपडेट ऑन द बीओजी मीटिंग 67th जो कल हुई थी, और प्रॉबली ही विल आस्क द इनकमिंग चेयरमैन टू मेक अ स्मॉल स्टेटमेंट एज वेल. सो ओवर टू रमीज भाई. जनाब वाला बहुत बहुत शुक्रिया, ये लॉन्ग ओवर ड्यू था एंड अपॉलोजीज पहले नहीं आ सके. एक तो खालिद एच खान के वफात का बहुत दुख हुआ, इसलिए कि वो एक इंटेग्रल हिस्सा होते थे जब यहाँ हम नेशनल स्टेडियम में आते थे और मैचेस में यू नो ही हैड एन ओपिनियन. सो आई होप कि उनकी फैमिली इज़ बीइंग लुक्ड आफ्टर. मुझे नहीं आइडिया कि क्या सिचुएशन है, बट एनीवे जो भी होगा हम करेंगे इंशाल्लाह क्रिकेट बोर्ड एंड ही विल बी मिस्ड. दूसरा ये कि सिचुएशन आपके सामने है जिस तरह से बिगिनिंग हुई और जहाँ पे हम खड़े हुए हैं. सो खासे फ्रंट्स के ऊपर हमें चैलेंजेस थे और चैलेंज था पहले तो वर्ल्ड कप का, टीम सिलेक्शन का, उसके बाद न्यूजीलैंड के वापस चली गई, फिर इंग्लैंड भी नहीं आई, फिर हमें एंगेज करनी पड़ी सारी क्रिकेट फिटर्निटी को अपना मौकफ बताने के लिए, और नया कोचिंग स्टाफ आया था जो हमारे उसके ऊपर लोगों की टेक थी. मगर शुक्र है कि सब चीज़ें ठीक हुई, इसलिए कि मैं हमेशा समझता हूँ कि जितना मर्ज़ी आप जोर लगा लें, अगर आपकी इंटेंशंस ऑनेस्ट है आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है. और इसके साथ प्लानिंग भी है, और मैं हमेशा ये समझता था कि कभी मौका मिलेगा तो वो चीज़ करूँगा जो कि मेरी समझ के हिसाब से होने वाली है पाकिस्तान क्रिकेट में, जो पहले अटेम्प्ट नहीं हुई है. हम यही सोचते रहते थे कि काश ये हो जाए, बाहर बैठ के ये हो जाए, और जब पोजीशन मिलती है तो फिर थोड़ा सा आप जो है ना कुशन मिल जाता है, स्टेटस को में चले जाते हैं, आप ज़्यादा कुछ काम कर नहीं सकते हैं, लिमिटेशंस आपकी हो जाती हैं. बट हमने वो सब को साइड पे करके, और क्रिकेट की बात हुई है, और अभी तक सो फार सो गुड, और कोशिश यही रही कि ये रिदम जो है ये बरकरार रहे. जल्दी से मैं क्रिकेट टीम की पहले बात कर दूं क्योंकि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा उसमें है, फिर मैं बाकी चीज़ों पे आऊँगा. देखें, बहुत सारे लोगों ने मुझे प्राइवेटली ये सवाल किए कि जी क्या हुआ वर्ल्ड कप में कि ये टीम जो है ये बड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही थी. तो उसमें दो तीन चीज़ें थी. देखें, एक तो अभी भी आई थिंक, और ये समझने की हम सब के लिए बात है कि क्रिकेट में लीडरशिप मैटर्स. हमारा जो एक तसव्वुर बना हुआ है क्रिकेट को लेके, वो ये है कि जी यहाँ पे कोचेस जो है ना वो डिटरमिन करते हैं हमारी फेट. वो फुटबॉल में तो हो सकती है, वो शायद हॉकी में भी हो सकती है, मगर क्रिकेट में नहीं हो सकती. क्रिकेट में लीडरशिप जो है उसका एक मतलब मेरा है, वो सब कुछ है. और मैं उस एरा में खेला हूँ जहाँ पे ग्रेट लीडरशिप से हमने इम्पॉसिबल मैचेस जीत लिए. सो मेरा जो एक रेफरेंस पॉइंट है ना बड़ा स्ट्रांग है, और ओल्ड स्कूल भी आप कह सकते हैं क्योंकि बहुत कम लोग आजकल इस तहत चलते हैं. बट आई एम डिटर्मिंड टू मे बी एक साइकिल को मैं रिवर्स कर सकूं, और उसमें रिवर्स करने के लिए आपको भी मेरे साथ जो है ना थोड़े सा मेरे साथ चलना पड़ेगा. और आपको भी ये जो एक पेज पे हमें होना है कि हम जब सवाल करें वो लीडर से करें, हम जब कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग प्लेयर्स परफॉर्मेंस वो लीडर के पास हम जाएँ रात दिन के कोच के पास हम जाएँ. सो एक तो ये हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के इसके ऊपर और ज़्यादा हम बात कर सकें, और इसके ऊपर और ज़्यादा मौकफ हमारा एटलीस्ट मेरा क्लियर हो. बट हैविंग सेड दैट, कोचेस की ज़रूरत होती है, वो नेट ऑर्गेनाइज करते हैं, वो पेप टॉक देने में इम्पॉर्टेंट होता है, वो टीम इन्वायरमेंट जो है वो अच्छी क्रिएट करते हैं. सो ये कोई नहीं कह रहा है कि उनका एक उनमें वो कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट
अगर टीम ने ऊपर जाना है तो लीडर ने ऊपर जाना है, और वर्ल्ड कप में हमने देखा कि ये रिलैक्स्ड हुए थे, 2-3 दफ़ा मेरी इनसे बात हुई थी और बात यही थी कि आप फिक्र ना करें, अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है, अगर आप बड़े मोमेंट्स पे कलैप्स नहीं करते हैं और बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रखते हैं, जो कि हम हमेशा से करते आए थे, क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा था जो जिसने दुनिया में जाके आउटसाइड पाकिस्तान सीरीज और मैचेस जीते थे, सो वही ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी और एक माहौल देने की कोशिश की जहाँ पे ज़्यादा इंट्रूजन नहीं थी, कप्तान को कप्तानी करने दी, उसके मुताबिक उनको टीम दी और उनकी ओनरशिप, जब तक कि ओनरशिप नहीं होती है कप्तान टीम को लड़ा नहीं सकता, सो ये हमारा आज से जर्नी ये शुरू हो गई हुई है कि हम कोशिश करेंगे कि एनवायरनमेंट और लीडरशिप के थ्रू आपको क्रिकेट फील्ड पर रिजल्ट्स दे सके, मगर ये एक तरह से आप समझे कि पिट स्टॉप है, अभी बहुत काम होने वाला है, बेइंतहा काम होने वाला है, सो किसी को गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए कि ये बिगिनिंग तो अच्छी है मगर अभी इसका मिडल आना और एंड आना है, और हमें अब जो सीज़न आ रहा है हमारा वो हमारे मतलब है सालों में इतना भरपूर सीज़न नहीं आया जहाँ पे हम ट्रूली टेस्ट होंगे, दुनिया की बेस्ट टीम्स आ रही हैं, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में मिलेगी, सो एक तरह से जो हमारा मौकफ था वो भी दुनिया ने कबूल किया, जो हमने प्रेशर डाला था और टैक्टिक्स के थ्रू कॉर्नर किया था, एक तरह से जो न्यूजीलैंड हो जाए या इंग्लैंड हो जाए या बाकी जो भी, इसको मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड ब्लॉक की जब बात की तो आई थिंक वो उनकी समझ में आ गया और हमने उनको फिर इम्प्रेस भी किया कि पाकिस्तान को आप इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, तो रिजल्ट्स माशाल्लाह से अच्छे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आगे चल के और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, क्योंकि जो मेरा दूसरी जो जल्दी से मैं बता दूं कि जो एम्फेसिस है वो है पाथवे क्रिकेट, यानी कि एक 11 साल 14 साल का बच्चा जो है वो किस तरह से टेस्ट प्लेयर बन सकते हैं, सो आप सुनेंगे अगले 1-2 दिनों में, इसी हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है वो और एक स्कूलिंग सिस्टम के साथ मिलके हम एक पाथवे 100 बेस्ट यंग प्लेयर्स का अनाउंस करेंगे और इनको स्टाइपेंड देंगे शायद 30,000 रुपया महीना एक 11, 14, 16 साल के बच्चे को, और एक फिट कर देंगे मार्कर कि आप हमारे फ्यूचर हैं, ये 100 जो बच्चे होंगे और इनको प्रॉपरली ट्रेन करेंगे, इंटर स्क्वाड मैचेस कराएंगे, कोचेस के थ्रू इनको ऊपर लेके जाएंगे ताकि वो जो एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है वो ख़त्म हो और इनमें कॉन्फिडेंस आए, हेंस जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि दुनिया के बेस्ट कोचेज वहाँ पर लगाएं और उनको पाकिस्तान में रखें ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है पौध है वो सही तरह से, क्योंकि वो इम्प्रेशनेबल एज होती है, वहाँ पे आप कोचिंग के थ्रू कुछ चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, तो ये पाथवे पे सबसे ज़्यादा जोर होगा। स्कूल क्रिकेट हमारी बहुत अच्छी चल रही है, वहाँ पे भी एक इंस्टीट्यूशन हमारी है कमर्शियल जो कि इन्वेस्ट करेंगी, फिर अभी मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट साइन हो गया ऑल पाकिस्तान टैलेंट हंट बच्चों का, तो वो भी आपको अनाउंसमेंट अच्छी मिलेगी, ये सब अगले 15 दिनों में सामने आ जाएंगे, क्योंकि हमने बैकडोर जो है पीछे सब चीज़ें तय कर ली हैं, सो पाथवे क्रिकेट है, आपके जो कोचिंग है NHPC में जहाँ पे आप एक्सपोज कर सकते हैं इन बच्चों को, यू नो लीडरशिप, आगे चल के आपकी स्कूल क्रिकेट अब 2 दिन की हो रही है, सैटरडे संडे को हो रही है स्कूल क्रिकेट और पूरे पाकिस्तान में हो रही है, इसी तरह से क्लब क्रिकेट में हम कोशिश करें पिचेस ठीक करें, देखिए पिचेस जब तक ठीक नहीं होंगी आपकी क्रिकेट आगे नहीं जा सकती है, बड़ा सिंपल सा असूल है और ये वो चीज़ें हैं जो कि पिछली जब रिजीम्स कह लें या जब डिफरेंट बोर्ड्स थे तो ये हेडलाइंस नहीं बनाती है, एक पिच कैसे हेडलाइन बना सकती है, मगर अगर पाकिस्तान टीम ने हेडलाइन बनानी है तो पिचेस ठीक होने वाली हैं, सो उसके ऊपर बहुत मैंने सबसे ज़्यादा अभी तक जो मैंने मीटिंग्स की हैं चेयरमैन वो क्यूरेटर से की हैं, वो ग्राउंड स्टाफ से की हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, हर 3rd दिन मैं जूम मीटिंग पे होता हूँ उनके साथ क्योंकि मुझे पिचेस चाहिए ज़बरदस्त तरह से, सो ऑस्ट्रेलिया से हम सॉइल भी मंगवा रहे हैं, आपने ड्रॉप इन पिचेस का सुन ही लिया है कि आरिफ हबीब साहब इज काइंडली कंसेंटेड के 2 पिचेस जो हैं वो लेके आएंगे पाकिस्तान में, और ये महंगी बिजनेस है, 37 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये, और उनका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हाइब्रिड पिचेस हैं जो कि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में इस्तेमाल हो रही हैं,
और उनकी 100 बॉल में इस्तेमाल हो रही है, सो उसका कोट हमने लिया है। तो कोशिश करेंगे कि 40 हाइब्रिड पिचेस हम क्लब्स में बिछाएं और स्कूल्स में बिछाएं, ताकि बच्चे जो हैं वो उस पर प्रॉपर खेल सकें। सो हाइब्रिड पिच क्या है कि 95% नेचुरल सॉइल होता है और 5% उसमें वो दर्जी की तरह सी देते हैं घास, ताकि वो एक ही पिच पे आप 25 मैच खेल सकते हैं। सो और वो 7-8 साल तक चलती है। सो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा इंशाल्लाह, वो भी आपको उसकी न्यूज़ में दूंगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे बहुत ही दिल के करीब हैं। और सारी जो बिजनेस है, मैं बात भी कर चुका हूँ क्रिकेट बोर्ड में, ये क्रिकेट का बिजनेस है हमारा। ये यहाँ पे क्रिकेट ऊपर जाएगी तो आपके और मेरा ताल्लुक बेहतर रहेगा। आपको हेडलाइंस मसालेदार शायद ना मिली हों क्योंकि हमारी टीम ने ठीक कर दिया, बट एनीवे मतलब ये मेरा ये कहने का है कि आई थिंक अप्रोच जो है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपका जो रोटी रोजी और मेरी रोटी रोजी जो है ना वो एक ही प्रोडक्ट के बेस पे है, और जो कि क्रिकेट है। सो हम एक पेज पे हैं, ये किसी ये मत समझिएगा कि आप अलग हैं और हम अलग हैं, बल्कि हम जितनी मैंने अभी तक कमर्शियल एक्टिविटी की है और जाके यहाँ भी अगले एक दिन आज भी है और कल भी है, सो वो हमारे जो मैंने जब क्रिकेट इकोनॉमी की ग्रोथ की बात की थी तो उसी सिलसिले में हम रीच आउट कर रहे हैं। सो ये भी एक फ्रेशर अप्रोच है, क्योंकि हम अपने कमरों में बंद हो जाते हैं क्रिकेट बोर्ड में और समझते हैं जी कि हम एहसान कर रहे हैं पूरी कमर्शियल कम्युनिटी पे और ये आएंगे और हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे। नहीं, हमारा सर्विसेज इंडस्ट्री है, हम एक प्रोडक्ट लेके इनके पास जा रहे हैं ताकि रियलाइज ये भी करें कि हम हमारे प्लान्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हम बेचना चाहते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि जूनियर PSL या अंडर 19 PSL है, वो इंशाल्लाह अक्टूबर में अभी तक सोची हुई है, उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। क्योंकि जब तक कि हम प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाएंगे, आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे, और ICC फंडिंग से अगर आपको बाहर आना है तो अपने पाँव पे खड़े करने के लिए आपको कमर्शियल वर्ल्ड में इनको प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करनी है। तो वो भी हम चीज़ें कर रहे हैं। लास्टली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ये पाथवे क्रिकेट की बात हुई। हमने फैन एंगेजमेंट के ऊपर, आपने देखा होगा कि कराची में जो था वो एक डिसअपॉइंटिंग सा रिस्पॉन्स था क्राउड्स की तरफ से। असल में होता ये है कि सिक्योरिटी है, आपके 10 चेक्स लगते हैं, आपकी पार्किंग कहीं और है, सो अनफॉर्चुनेटली हम एक फ़ैन के लिए सोचते नहीं हैं इमोशनली, और अपने आप को उनकी जगह पे नहीं रखते हैं। और खैर, मैंने तो एज अ कमेंटेटर खासे धक्के खाए हुए हैं कि कहाँ से आना है और कहाँ गाड़ी खड़ी करनी है। सो मैं ग्राउंडेड हूँ, मुझे रियलाइजेशन है कि यहाँ पर हमें बहुत काम करना है। सो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में फ़ैन एंगेजमेंट का एक शोभा खोल रहे हैं, जो कि मर्चेंडाइज के साथ उसको अलाइन करेंगे, और आप देखेंगे कि इस PSL से, और सिर्फ PSL के लिए नहीं होगा, हर इंटरनेशनल मैच के लिए उतना ही जोर हम लगाएंगे जितना कि इंशाल्लाह PSL में लगाएंगे, ताकि जब कोई आए फैन तो उसको आइडिया हो कि हाँ, हम एक कंपैशनेट ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनके दुख दर्द में उसी तरह से इन्वेस्टेड हैं। और कोशिश ये करेंगे कि उनका व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा, पूरा जोर लगाएंगे। और आपके साथ सारी जो भी हमारी प्लानिंग है उसको हम शेयर भी करेंगे कि किस तरह से हम अराउंड द ग्राउंड जो है वो चीज़ें सेटअप कर रहे हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि पहले कभी नहीं हुई हैं फैंस के लिए। और बाकी परफॉर्मेंस थी हमारी, ACC ICC मीटिंग की बात हुई थी। आई थिंक ICC में ये आपने सीज़न देख ही लिया है, और हमारे पे प्रेशर क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड के पुल आउट से, और जो जो ICC के इवेंट्स के ऊपर फिर एक्स्ट्रा मीटिंग्स करनी पड़ी मुझे कि बताने के लिए कि वो अलग एक चैप्टर है और ये अलग एक चैप्टर है। सो आई थिंक पूरी दुनिया को एहसास है कि पाकिस्तान जो है ना उसकी प्रेजेंस है, और इसी तरह से ACC में खैर बहुत काम करने की ज़रूरत है ACC में, क्योंकि वो जो मेरी एक उनसे गिला शिकवा था वो यही था कि जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने पुल आउट किया तो आपकी तरफ से आवाज़ क्यों नहीं आई। आपका ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया था कि जब भी किसी एशियन ब्लॉक में किसी मुल्क के साथ ज्यादती होती है तो ये मुल्क खड़े हो जाने चाहिए। सो ये मिनट भी हुई थी ये बात, और फिर आपको एशिया कप भी मिला है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इम्प्रूव होना है, और होपफुली एक दो हमने एप्लीकेशंस डाली हैं कि हमें किसी जगह पे लैंड इस्लामाबाद में दे, ताकि हम स्क्रैच से
एक हाईटेक स्टेडियम बना सकें 2025 तक. सो देखते हैं उसमें क्या डेवलपमेंट होती है. मगर जैसे मैंने कहा, सीट्स नहीं है ठीक, आपकी व्यूइंग गैलरी ठीक नहीं है, स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट कोई चीज़ नहीं करती है. सो बहुत सारी चीज़ें कई लेवल्स के ऊपर करने की ज़रूरत है. तो ये है जी ब्रीफ. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप देख रहे हैं फैसल हसनैन यहाँ पे हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं. सो फैसल हसनैन के बारे में आपको ये बता दूँ कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. सो नंबर्स क्रंच कर सकते हैं. और क्रिकेट में, क्रिकेट जिम्बाब्वे के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हुए हैं. आईसीसी में ये बंडलिंग राइट्स जो हुए थे, जो कि बहुत बड़ा एक 2023 तक की जो साइकिल है वो इन्होंने सेटअप की थी. और सॉरी कब की, 2023 तक की. और धीमा लहजा है, शायद मुझे अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगे. जितना मैं ऊंचा बोलता हूँ ये उतना ही नीचा बोलते हैं. और मकसद यही है कि हम ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ, हम अच्छे लोग लेके आएँ, हम वो लोग लेके आएँ कि जो जिनको क्रिकेट से मोहब्बत है. अभी बहुत सारे खाने पूरे होने हैं तो हम इनका वेट कर रहे थे, जब ये आएंगे तो हमारा कमर्शियल डिपार्टमेंट जो है वो रिवैम्प होना है कम्प्लीटली. अभी तक तो मैं और ये जावेद कुरैशी साहब और हम बने हुए हैं कमर्शियल आर्म द PCB. सो काम तो बहुत होना है, मगर एटलीस्ट ये एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है जो कि भर गई है. सो थोड़ा सा मेरे से भी प्रेशर ऑफ हो जाएगा, मैं भी आराम से बैठ सकूंगा. बट अभी मुझे लग रहा है 3 महीने हुए हैं, 30 साल हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्रिकेट बोर्ड में हूँ. सो थोड़ा सा मैं मतलब सैटरडे संडे, और मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में छुट्टी का एहसास हुआ है कि छुट्टी कितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि मैं तो सारी ज़िंदगी छुट्टियाँ मनाता रहा. सो प्रेशर भी होता है, इसलिए प्रेशर है कि एक्सपेक्टेशंस अपनी होती हैं. प्रेशर ये होता है कि क्यों नहीं चीज़ें ठीक मैं कर सकता हूँ. क्योंकि मकसद यही है कि क्रिकेट की अच्छी चीज़ें हों, सबको इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट करें. और आगे चल के ये सीज़न बहुत बड़ा है. सो हमें टीम बहुत बड़ी बनानी है. ये नहीं हो सकता कि सीज़न बड़ा है, बड़ी टीमें आ रही है और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे हो जाए. मगर इस टीम ने लाजवाब कारकर्दगी दिखाई. आई थिंक सब एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है इन्होंने. और पूरा पाकिस्तान कैसे इकट्ठा हुआ है हमने पहली दफ़ा देखा है बहुत सालों में इस प्रोडक्ट के पीछे. और मेरा मानना यही है कि अगर प्रोडक्ट स्ट्रांग होगा तो फिर स्पॉन्सर्स आएंगे, स्पॉन्सर्स आएंगे, फैंस आएंगे, फैंस आएगा तो PCB स्ट्रांग होगा, PCB स्ट्रांग होगा तो फिर गवर्नमेंट भी उसकी ओनरशिप लेती है, जो कि ये सीक्वेंस होना चाहिए. सो हमारी कोशिश ये है कि प्रोडक्ट हम स्ट्रांग रखें, जितनी इनकी हेल्प कर सकें क्रिकेट वाइज. इसलिए ये 25 की जो बात है, इसलिए कि जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएं तो हम कंपेटिटिव तो रहें ना, हम साउथ अफ्रीका जाएं तो 2 दिन में मैच ख़त्म ना हो. तो हम वो चीज़ करेंगे जो कि पहले की नहीं, और इनको बेस्ट मौके देंगे जहां पे ये ओवरसीज ट्रिप्स पे एक ग्रेट टीम बन के आएँ, क्योंकि वो रियल चैलेंज है. घर में तो हम कंपेटिटिव हो सकते हैं, मगर जब तक कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराएंगे मैं तो एटलीस्ट चैन से नहीं बैठूंगा. और हम इनको प्रोवाइड करेंगे वो सिमुलेट करके वो सारी कंडीशंस के, जब वहाँ जाएं. और आजकल कोविड की वजह से आप 1 दिन 2 दिन के बाद मैच शुरू हो जाता है. सो एक्लिमेटाइज यहीं से होके जाएं. और फिर वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में है. मैथ्यू हेडन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, फिलैंडर का. मैथ्यू हेडन की रिपोर्ट बड़ी अच्छी थी, कंस्ट्रक्टिव थी, और 2-1 बातें की थी जो कि शेयर हो चुकी है कि फील्डिंग बहुत पाकिस्तान को और इम्प्रूव करनी है. प्रेशर में थोड़ा सा कोलैप्स हो जाते हैं फील्डिंग में, और हर एक को ओनरशिप लेनी है, एटीट्यूड, चाहे वो बॉलर हो बैट्समैन हो. मगर वो पाकिस्तान की स्पिरिचुअलिटी से बहुत इम्प्रेस हुए. बट ग्रेट ऑफ हिम के अभी भी हम जो ग्रेट्स ऑफ द गेम है वो पाकिस्तान क्रिकेट में बिलीव करते हैं. ये एक बहुत बड़ी बात है. और वो टच एंड गो था वो डिसीजन. अगर काम ठीक ना होता तो आपने मेरे बखिए उधेड़ देने थे, मगर ऊपर वाला जो है ना वो बड़ा अभी तक कर्म किया हुआ उसने. So thank you once again for coming, and Faisal, aapka bahut bahut shukriya, and I welcome you. Shukriya, Chairman. Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat, Assalamu alaikum. Mujhe actually bahut khushi hai is waqt ke aap logon se meri jo pehli meeting hai wo Karachi mein ho rahi hai. Shahar Karachi jahan main paida hua tha, jahan maine apni ibtidai taleem hasil ki, जहाँ मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, और जहाँ मैंने अपनी इनफैक्ट आई डिड माय ए लेवल्स हियर कराची ग्रामर स्कूल से. एंड आप लोगों की तरह, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान की तरह,
cricket is in my blood. And from a very young age, jab Pakistan jeeta hai to bachon ki tarah I feel like jumping up and down. And obviously jab Pakistan haarta hai to mayusi hoti hai, but there's always hope. And mayusi bhi ek bahut achhi cheez hoti hai. Agar aapko mayusi na ho to phir aap khushi appreciate nahi karte. And one learns and moves ahead. Mr. Chairman has already given you a little bit of my background. Mera taluk sports administration mein over 15 years ka experience hai ICC ke saath, Zimbabwe cricket ke saath. Wahan I was involved financial side, commercial side, organizational side, and meri ye bilkul koshish hogi ke चेयरमैन साहब ने और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मुझ में दे हैव शोन द कॉन्फिडेंस इन मी एंड आई एम थैंकफुल टू देम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व पाकिस्तान क्रिकेट. जब से मेरा ताल्लुक स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है, मेरी ये ख्वाहिश ऑलवेज रही है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर सकूँ. And Allah Ta'ala ne mujhe ye mauka diya hai, and inshallah we will try and collectively make Pakistan cricket PCB a high performing and a world class organization, inshallah. Jo meri personal philosophy hai, chairman ki jo philosophy aap log sab jante hain, organizational excellence, cricketing excellence, commercial excellence. To that, I will just add my own small personal philosophy, and that is unity. For any organization to move forward, kisi mulk ko tarakki karni hai, kisi organization ko aage badhna hai, ye unity ke bagair badh nahi sakta aage. United we stand, divided we fall. Ye history ne bataya hai hame. And इसमें हम सब का रोल है, हम सब का एक ही ऑब्जेक्टिव है, अभी जैसे चेयरमैन साहब ने कहा था. एंड वही ऑब्जेक्टिव इन माइंड रखते हुए हम सबको साथ काम करना है. एंड यहाँ पे जाके मीडिया का एक बहुत बहुत बड़ा रोल है. वी हैव टू वर्क टुगेदर. आप बेशक यू आर द आइज एंड ईयर्स, आप ये चीज़ें देखते हैं जो हम नहीं देख सकते. आप वो चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं जो हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम अंदर हैं, आप बाहर हैं. आप बाहर से वो चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हम अंदर से नहीं देख सकते. अगर मैं एक पॉलिसी बनाऊं तो वो पॉलिसी साइकोलॉजिकली आई विल नॉट सी द बैड पॉइंट्स इन दैट, मगर आप देख सकते हैं, आप पॉइंट आउट कर सकते हैं जो शॉर्टकमिंग्स हैं. मगर दी क्रिटिसिज्म, द सजेशंस हैव टू बी कंस्ट्रक्टिव, यू नो. And I would request ke we all work together as one family and take Pakistan cricket forward to its rightful place among the top performing sports organizations in the world. Thank you. Seen sir, sorry, sir sir. The floor is open. Wasim साहब ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दिमाग के ऊपर वही चढ़ा हुआ है. अपोलॉजीज फैसल साहब, माजिद भट्टी, शाहिद हाशमी और एहसान कुरैशी साहब. जी जी. रमीज भाई, एक सवाल आपसे और एक जी भट्टी साहब के. आपने पाकिस्तान टीम का बहुत ज्यादा जिक्र किया और जाहिर है प्रेस करना चाहिए जितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो कोचेज का था वो इंटरम पीरियड तो सकलैन एंड कंपनी सब खत्म हो गया, तो अब आप चाहेंगे कि यही कोचेस जो हैं ये कंटिन्यू करें या फिर नए सिरे से पोस्ट एडवर्टाइज करेंगे? और क्या आपका जो एक जहन, जो पहले आप बातें करते थे कि फॉरेन कोचेस, तो पाकिस्तान टीम के लिए आप पाकिस्तानी कोच लाना चाहेंगे या आपका जो जहन है कि फॉरेन कोचेस ही हमारे क्रिकेट को खड़ा कर सकते हैं? दूसरा, आपकी इजाजत से इनसे सवाल पूछ लूं, फिर बारी बारी जवाब दे दीजिएगा. फैसल साहब, आपका जो सीवी देखते हैं माशाल्लाह क्रिकेट में तो आपकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन पास्ट में यहाँ कुछ लोग आए जिन्होंने ये भी कहा कि जी न्यूजीलैंड की टीम मेरी वजह से
पाकिस्तान आई, फिर वो मैच खेले बगैर चली गई। लेकिन अब आप पाकिस्तान आए हैं, तो आप समझते हैं कि कोई ऐसे चैलेंजेस हैं हमारे क्रिकेट में एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि आईसीसी में काम करना और क्रिकेट जिम्बाब्वे में काम करना एक अलग चीज है। हमारे यहाँ तो हर वक्त क्रिकेट जो है वो अंडर स्कैनर रहती है, तो कोई आपके जहन में ऐसे चैलेंजेस जो आप पहले बाहर बैठ के देखते थे, अब आप अंदर आ गए तो आप उन चैलेंजेस से निपटना चाहते हैं? कोचेस के ऊपर मेरा एक कोई सेट ओपिनियन नहीं है। मैं समझता हूँ जो एक मुझे जो जनरल अभी लगा है, जो पिछले हमारा कोचिंग स्टाफ था, कि लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आप कई दफ़ा फंस जाते हैं, और अगर आप छोटा कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो फिर वो बात आती है जी कि आपने अभी फ्लो और कॉम्बिनेशन नहीं बनाया और उनको जल्दी फारिग कर दिया। बट मैं ये समझता हूँ कि आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है तो आइडली और वो आएंगे इंशाल्लाह, उन्होंने अपनी हामी ज़ाहिर कर दी है, मैथ्यू हेडन कह रहे हैं हम अवेलेबल, तो इस तरह से आप श्रीलंका जाएं तो श्रीलंकन एक्सपर्ट को वहाँ पे हायर कर सकते हैं। सो एक तरह से कंडीशंस के हिसाब से एक तो मेरा ये ख्याल है कि आप कोचेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के ऊपर आई रादर हैव पाकिस्तानी कोचेस, और उसमें अगर कोई एक्सपर्ट चाहिए हो यू नो जो कि हमें बाहर से लाना होगा तो वो भी लेके आएंगे। सो इसके ऊपर मेरा ओपन है, मेरे कोई फिक्स्ड ये माइंड नहीं है कि कोई बाहर से आके हमारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं या हमारे अपने कोचेस जो हैं वो चीज़ें ठीक नहीं कर सकते हैं तो इसलिए बाहर से बुलाना है। आपने सकलैन की देखा, नेशनलिज्म उन्होंने उभारा है और वो एक क्वाइटली उन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया, और वो कोई हाई प्रोफाइल कोच रहे नहीं कभी। तो कई दफ़ा आई थिंक हम बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना कि एम्फेसिस हमारा कोचेस पे रहता है, सो कोचेस आपको चाहिए 14 ईयर ओल्ड के लिए, 16 साल के लिए, 19 साल के लिए, वहाँ पे आप पैसा लगाएं, वहाँ पे आपको नए एक 100 नया आप समझे कि सुपरस्टार्स आप क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे आप खड़े होने का अंदाज बैटिंग का बदल सकते हैं, बॉलिंग में आपके पास बायोमैकेनिक्स लैब है, 14 साल का बच्चा अगर ठीक बॉलिंग नहीं कर रहा है तो उसका एक्शन आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो बड़ी टीम की गेम होती है वो होती है एक एनवायरनमेंट और एक परफॉर्मेंस बेस्ड एक एनवायरनमेंट आप दे सकते हैं। सो मैं उसमें बिलीव करता हूँ। अभी तक मैंने कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल ये कह दूँ कि जी नहीं, ये सिर्फ ये गोरे ही आ सकता और ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ, अभी भी सोच रहा हूँ कि कहाँ पे हमें बेस्ट फिक्स हम कर सकते हैं। सो इसलिए आपने देखा होगा पार हिटिंग क्या एक हमने कोच के लिए एडवर्टाइज़ किया है, मैं समझता हूँ वो भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना चाहिए। फिर टेक्निकल एतबार से, अब क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में हमारा नंबर अभी ठीक नहीं है, 5वें या 6वें रैंक टीम है हम, ODI में 5वें, तो जब आप मिड टीयर की टीम है जो कि मैं बाबर से भी कह, तो आप फिर मैसिव एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे नीचे नहीं जाएंगे आप फिर ऊपर ही जाएंगे। सो T20 में तो आपकी गेम प्लान एक आपको सस्ता हुआ नज़र आ रहा है, सो अब ODI और टेस्ट क्रिकेट में करनी है, और उस हिसाब से फिर आपको चीज़ें सेटअप करनी है कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी फैसल भट्टी साहब, आस्ते आस्ते आपके नाम भी पता चल जाएंगे मुझे। आप भट्टी साहब को अगर नहीं जानते हैं तो आपका कोई चांस नहीं है। जान गए। भट्टी साहब, मेरे हिसाब से देखें, व्हेन आई टेक चार्ज इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन मच बेटर, मगर आई विल हैव अ ट्राई राइट नाउ। देखें, दो चीज़ें हैं मेरे दिमाग में। पहली चीज़ तो ये कि टीम्स क्यों नहीं आना चाहती पाकिस्तान। पाकिस्तान की परसेप्शन जो है वो अच्छी नहीं है, एंड आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। आई हैव वर्कड इन ICC, आई हैव वर्कड इन जिम्बाब्वे क्रिकेट। इन द कॉरिडोर्स जो डिस्कशंस होती हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की रेप्यूटेशन एंड परसेप्शन इज अ प्रॉब्लम, एंड दिस इज समथिंग दैट अनफॉर्चुनेटली इज इम्पैक्टिंग पाकिस्तान, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स मगर ये हर स्फीयर को इम्पैक्ट कर रही है। टूरिज्म को इम्पैक्ट कर रही है, आपकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही है, ट्रेड को इम्पैक्ट कर रही है, हर चीज़ को इम्पैक्ट कर रही है। तो ये जो परसेप्शन है, दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड।
एंड इन सब में हम सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा. वी हैव टू बी पॉजिटिव. आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें. जितनी रिपोर्टिंग, एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द मीडिया, जितनी नेगेटिव रिपोर्टिंग होगी दैट इज इम्पैक्टिंग पाकिस्तान्स ओवरसीज रेप्यूटेशन. जब मैं आईसीसी में था, देयर वर सर्टेन आर्टिकल्स जो पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट हुए थे, वो आईसीसी के नोटिस बोर्ड पे लोग लगाते थे, यू नो, कि देखें दिस इज एन इशू. तो इसमें वी हैव टू कलेक्टिवली चेंज द परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान. एंड बाय दैट आई मीन, एक न्यूजीलैंड टीम अगर आ रही है पाकिस्तान, इंग्लिश टीम आ रही है पाकिस्तान, कहती है इट्स अ डेंजरस कंट्री, वहाँ पे देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यहाँ पे बिजली चली जाती है, क्राउड्स नहीं होते स्टेडियम में, हमें होटल में लॉक होना होता है एक महीना, यू नो, वी कांट. यंग प्लेयर्स हैं, दे आर यंग, दे वांट टू गो आउट, दे वांट टू. भाई अगर आपके पास एक परसेप्शन है कि वहाँ जहाँ क्या हमको एक पिंजरे में बंद कर देंगे, यू नो, सो दैट इज गोइंग टू नेगेटिवली इम्पैक्ट देम. सो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दे विल पुल आउट. सो यू हैव टू क्रिएट दैट, चेंज दैट परसेप्शन फॉर अ स्टार्ट. नंबर टू, यहाँ मैं चेयरमैन साहब का अर्लियर पॉइंट पिकअप करूँगा. यू हैव टू इम्प्रूव योर पिचेस. वाई वुड अ टीम वॉन्ट टू कम टू पाकिस्तान इफ दे नो कि एक डेड विकेट पे खेलना है, द बॉल इज गोइंग टू टर्न, वी हैव वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स, वहाँ पाकिस्तान जाके हारना है, हमारे बोलर्स काम नहीं करेंगे. डेनिस लिली ने 1970s में कहा था कि आई वॉन्ट माई ग्रेव टू बी इन फैसलाबाद, ऑन द पिच इन फैसलाबाद. बॉल उठ ही नहीं रही थी. Until you improve your pitches, teams will not be attracted. And then aap dekhega, jaise chairman sahab keh rahe hain, aap ye pitches improve karein, teams will want to tour Pakistan. To mere hisab se is waqt, those are the two reasons. Perception and the state of your pitches. Ramiz, salam alaikum. Hajmi sahab. Off-field bade problems hote duniya bhar mein cricketers ke saath ho rahe hain, team pain ke saath hua. Hamari yahan Yasir Shah ki khabrein kuch aa rahi hain, is tarah ki Zeeshan Malik, कोड ऑफ कंडक्ट की, तो उस फ्रंट पे एजुकेशन प्लेस की ऑफ फील्ड ज़्यादा हमें करनी चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है. आई थिंक करनी चाहिए, मगर ये इतना ज़्यादा इन, क्योंकि ये सर्किट में है, ख़ास तौर पे यासिर की आपने बात की है, और इनकी इतनी ज़्यादा बार बार जो है ट्रेनिंग होती है, कि ये तो एक नो ब्रेनर है. यार दोस्त आपने कैसे पिक करने हैं, किन के साथ सोशलाइज करना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए फिर बन जाता है क्योंकि एम्बेसडोरियल पोजीशंस में हैं हमारे ये प्लेयर्स. और अगर इस तरह की कोई, अभी पता नहीं क्या सदाकत है, हम उसको देख रहे हैं, बट फिर भी ऐसी हेडलाइंस लग जाना ठीक नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. सो ये तो एक हमारा कामिंग पीरियड होना चाहिए था. यहाँ पर हमारा एक फील गुड फैक्टर क्रिएट हुआ हुआ है, तो खाम खाम ऐसी हेडलाइंस लग जाना. असल में दूसरा यही है कि जो आते साथ ही जो मैंने पैसे बढ़ाए थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसका मकसद दो थे. एक तो ये था कि इनको ठीक ठाक एक सेकंड टीयर का करियर मिल जाए फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को. सो एक आज जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है वो 50 से 60 लाख रुपया साल का बना रहा है, जो कि कोई सोच नहीं सकता था. और दूसरा था ये डिबेट जो है प्रोविंशियल क्रिकेट वर्सेज ऑर्गेनाइजेशनल क्रिकेट, ये दम तोड़ देगी. और ये सही बात है, इसलिए कि जो पैसे आजकल एक फर्स्ट क्लास प्लेयर को मिल रहे हैं, समझे आप 2 लाख रुपया या 2.5 लाख, आम 200 प्लेयर्स को, ये होने वाला नहीं था कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में. सो उसके ऊपर भी मैं चाहता हूं कि आपका नैरेटिव बिल्ड हो, और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी क्रिकेट का. क्योंकि अगर आप इसको अभी भी कहेंगे कि नहीं जी वो बस ज़बरदस्ती वाला पॉइंट है, सो ये प्रैक्टिकल रियलिटी में आप चलें, और अगर फाइनेंशियल था और आपका जो एक सर्किट में इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं, आप पता कर लें किसी भी प्लेयर से, जनरली दे आर क्वाइट हैप्पी, इसलिए कि इनकी 5-स्टार होटल में अकोमोडेशन है, इनको पैसे मिलते हैं, एक माहौल बनाया हुआ है. बट फिर भी आई थिंक डिस्ट्रैक्शंस हैं, और इस डिस्ट्रैक्शन को अगर एक 19 साल का बच्चा जो है, एटलीस्ट जिसे उनका इतना बड़ा नहीं था, उन्होंने रिपोर्ट देर से की थी, सो उनको भी सज़ा मिली है. सो इसमें ज़ीरो टॉलरेंस, आपको पता है कि मेरा स्टांस क्या है ऐसी चीज़ों के उल्लेख है, मगर बच्चों को तो डेफिनेटली हमें और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. तो आपके जो सहाफ़ी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, बिकॉज आप सारी दुनिया में फिरे हुए हैं. आई थिंक आपके साथ भी सेशन, यू नो, अंडर 14, अंडर 16, 9 के कैसे, क्योंकि जब मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था तो मैंने
2000 की बात है, तो शफाक अहमद को बुलाया था लेक्चर देने के लिए बच्चों को, फिर मुस्तनसर हुसैन तारड़ आए थे, फिर दो एक और हमने ऐसे दानश्वर बुलाए थे ताकि इनको बताएं कि ज़िंदगी में पैसा ही ज़्यादा चीज़ नहीं होती है, शोहरत को कैसे हैंडल करना है। तो ये आई थिंक फिर से हम वो फेज़ इंशाल्लाह शुरू करेंगे। जी आपकी बहुत ज़बरदस्त बातें हैं और लोगों को आपके बड़े यकीन भी है क्योंकि आप क्रिकेट ज़मीन से खेलते आए हैं, कप्तान रहे, अब आप चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अभी वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, आपने खुद कहा कि क्राउड जो है उसको अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ नज़र दिखा लें तो एक प्लेयर इसमें वाहिद था वेस्ट इंडीज़ की टीम में जो कि वर्ल्ड कप में खेला था, वो निकोलस पुरान। अब ये टीम आ रही है हमारे यहाँ, इंग्लैंड की आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की आ रही है, न्यूजीलैंड की आएगी, बहुत ज़बरदस्त प्लान है, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये तमाम क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो अपनी टीमों को फुल फ्लैग फुल स्ट्रेंथ भेजें, जब आपकी हल्की टीमें आती हैं, जैसे न्यूजीलैंड की टीम भी आई थी वो हल्की टीम थी तो लोगों को भी पता है कि कौन सा प्लेयर है, तो ऐसा कैसे आप करेंगे, और ये अगर लास्ट टाइम पे बाद अवकात कोई गड़बड़ें हो जाती हैं, कोई मसाइल हो जाते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि ये बड़ा डैमेज था जो न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से भाग के चली गई और इंग्लैंड नहीं आया, तो उसको कैसे इंश्योर करेंगे कि मुसलसल और अच्छी क्रिकेट होती रहे। देखिए जो रीशेड्यूलिंग हुई है ना, ये इस बेस पे हुई है कि जब उनके बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल हैं, ये रीशेड्यूलिंग उस तरह से हुई है, ये वैसे नहीं हुई है कि इन्होंने एक मौसम पिक कर लिया या मंथ पिक कर लिया। सो न्यूजीलैंड जो था वो जल्दी भी आ सकते थे, मगर उस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क में T20 लीग होती है, तो उन्होंने कहा हमारे बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो हमने कहा आपके बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है तो हमें नहीं चाहिए, आपकी जब बेस्ट प्लेयर्स हैं तभी आप विजिट करें। सो एक तो ये बड़ा क्लियर है, और इंशाल्लाह देखें जो प्रेशर क्रिएट हुआ है ना उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अब ये दो दफ़ा सोचेंगे, पहले थोड़ा सा इनका आइडिया ये था कि शायद कोई डंडी मार के इधर उधर काम हो जाएगा, अब नहीं होने वाला, इसलिए कि ICC लेवल के ऊपर एक कमिटमेंट आप देख लें दिख रही है, 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी की एक आपके पास एग्जांपल है। सो कोशिश यही है, असल में होता ये है कि माहौल इतना टाइट हो जाता है कि यहाँ पे फिर आप निकल नहीं सकते हैं, सो वो एक इस मुश्किल टूर समझ लेते हैं। सो हम कोशिश यही करेंगे कि जितना रिलैक्स्ड इन माहौल रख सकें, रेस्टोरेंट्स में यू नो कंट्रोल एनवायरनमेंट के साथ ये विजिट कर सकें, और एरियाज मार्क कर दें कि यहाँ से भी आप बाहर जा सकते हैं और चार रेस्टोरेंट्स विजिट कर सकते हैं, क्योंकि देखें टूर का जो मकसद है कि आप लोकल हॉस्पिटैलिटी और लोकल कल्चर का फ्लेवर कर सकें, सैम्पल कर सकें, और जब नहीं मिलता है तो फिर वो ऐसे लगता है जैसे घुटन सी हो जाती है, बट इंशाल्लाह बेस्ट टीम आएगी, और इसीलिए हमने वेस्ट इंडीज़ पे भी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं किया ना किया था कि आप T20 तो खेलें ना, मगर अच्छी बात यह है कि अपनी फुल फ्लेज टीम के साथ आएंगे। सो एक वजह यह भी है फैंस जो नहीं आए हैं, क्योंकि फैंस एक्सपोज हैं टू गुड टीम्स, टू बिग नेम्स, सो ऐसे नहीं आप कर सकते कि एक मीडियोकर टीम भिजवा के आप एक्सपेक्ट करें कि वो हाउसफुल हो जाएगा। और फिर एक वर्ल्ड कप की फटीक भी थी, क्योंकि वर्ल्ड कप एक मैसिव हाई था, और जैसे कि सारी कॉम थक गई दुआएं मांग मांग के और देख देख के, और सडनली फिर उनको ये मिली जब टीम, तो उन्होंने कहा जी ठीक है चलो, फिर वो सिक्योरिटी इशू है, फिर कोविड आपने दिखाना है, फिर आपकी चार जगह सिक्योरिटी होनी है, तो वो इंटरेस्ट लेवल आपका ड्विंडल हो जाएगा, बट वील मेक श्योर इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे लिए भी आई ओपनर था, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग मैं समझ रहा था क्योंकि जो पाकिस्तान टीम ने किया है हमें कहीं बाहर जाके क्राउड को लाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये इनकी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है, एटलीस्ट मतलब मैं जब से कमेंट्री कर रहा हूँ पिछले 10-15 सालों में ऐसी टीम को लड़ते हुए हमने देखा नहीं है, ये तो एक मैं आपको क्रिकेटिंग एस्पेक्ट बता रहा हूँ। सो एक गिवन मैंने सोच लिया था कि आएंगे, मगर नहीं आए क्योंकि जो फैंस हैं वो खास से एक्सपोज्ड हैं टू गुड टीम्स, टू यू नो क्रिकेट के इंटेलेक्ट बहुत बढ़ गया हुआ है। सो कोशिश यही है कि बेस्ट टीम्स और इंशाल्लाह आएंगे। हम तीन सवाल राइट साइड से ले लेते हैं, जुबैर भाई, अली और फिर शेख जट। जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़ कोचिंग। रमीज, पहले तो आपके लिए बड़ी शुभकामनाएं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे। कल जावेद मियादाद ने भी अप्रिशिएट किया आपको कि आप आए हैं, और एज ए क्रिकेटर आपकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, तो होप है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा करेंगे। क्वेश्चन मेरा पहला तो ये है कि जाहिर है कि कल आपकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी, जी। उसके हवाले से कुछ बता दीजिए कि उसमें क्या क्या डिसीजन हुए,
और दूसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि वेस्ट इंडीज़ आई, T20 खेला उसने, वनडे सीरीज जो है मुलतवी करनी पड़ी, रीजन सबको पता है। बायोसिक्योर बबल, उसके ऊपर जो है बहुत से यानी तहफ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं। गुज़िश्ता रोज़ ज़ाहिर हम डोमेस्टिक भी कवर करते हैं, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि आयद अज़म ट्रॉफी का मैच, उसमें जो टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई किया उन्होंने उसी वक्त जो है बायोसिक्योर बबल को जो वायलेट कर रहे थे लड़के, बल्कि अभी जब मैं एंटर हो रहा था तब भी मैंने देखा जो कोई प्लेयर्स जिन्होंने 25th को फाइनल स्टार्ट करना है वो भी बायोसिक्योर बबल को वायलेट करते हुए बाहर रोडों पर घूम रहे हैं। तो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? नहीं घूमना चाहिए जी, असल में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये असल में हमारा ये है जी, ये रिफ्लेक्शन है हमारे जो सोसाइटी में है। तो हमारे हम कहाँ मास्क पहन के घूमते हैं वैसे भी, सो वो भी, बट ये एक हमने प्रेजेंट करना है एक अच्छा केस सारी दुनिया को, एंड वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली बात है। सो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ज़रूर मैं बात करूँगा कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। जहाँ तक आपने बायोसिक्योर बबल की बात की है जी, वो देखें वो तो वाटर टाइट था, वो वहाँ से लेके आए थे। हाँ शायद अगर हम 5-6 दिन इनको क्वारंटीन करवाते तो शायद ये हमें पहले पता चल जाता, फिर टूर ही ना होता। सो हमारे देखें एक भी प्लेयर को नहीं हुआ। सो उस लिहाज से तो सारे जो प्रॉब्लम था वो वेस्ट इंडीज़ कैंप में था, और इसीलिए जो PSL में हमने पूरा होटल बुक करवाया है ताकि कोई चीज़ रह ना जाए, और उसमें हमें 70-80 कमरों का खर्चा खुद देना पड़ रहा है। बट पॉइंट इज़ के इसके ऊपर ख़ास हमारी एक सोच है, क्योंकि हम फन स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं, इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है, और एक्स्ट्रा पैसे दे के जो भी होगा विल इंश्योर के कोई इस तरह की सिचुएशन ना हो। और क्या यही था आपका सवाल BOG का? देखें बहुत लंबी, मैंने तो इतनी लंबी मीटिंग में आज तक ज़िंदगी में नहीं बैठा हूँ। कोई 12 बजे शुरू हुई है, रात के 9 बजे तक चली है। तो जो मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे, देखें मैं तो एक क्रिकेटर हूँ, तो मैं अभी ऑन द जॉब मेरी ट्रेनिंग भी हो रही है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, वो हाई रिस्क है और मीडियम रिस्क है और लो रिस्क है। सो मेरे लिए भी वो आपकी तरह हूँ, मैं थोड़ा सा नूरा सा हूँ मैं रिगार्डिंग दीज इशूज़। बट पॉइंट ये कहने का है कि फ़ैन एंगेजमेंट जो है उसके ऊपर हमने एक इंटरनल एक्सरसाइज की, एक बाहर से हमने एक्सपर्ट को बुला के उससे भी हमने न्यूज़ लिए हैं, प्रेजेंटेशन लिए है फ़ैन एंगेजमेंट के ऊपर। फिर ड्रॉप इन पिचेस की बात हुई है, फिर उसके बाद पाथवे क्रिकेट की बात हुई, फिर उसके बाद और क्या था, बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ फैसल हेल्प मी आउट, किस चीज़ का? वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ की रीशेड्यूलिंग की बात हुई, यू नो ये वापस आ रहे हैं। तो इस तरह की थी चीज़ें जी, जो ज़्यादातर मैं इनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भी जो है मेरी तरफ से तो यही उनको शायद आवाज़ सुनाई दे रही है कि हम क्रिकेट की बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बोर्ड में ज़्यादातर बातें क्रिकेट की होनी चाहिए रिगार्डिंग के टूर में क्या चीज़ें ठीक होनी है, फ़ैन का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, कोचेस हैं, यू नो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। कोशिश करेंगे, कल मैंने इजाज़त ली है कि 70 कमरे जो हैं वो हम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बनाएं, क्योंकि ये जो ट्रैफिक रुक जाती है ये बड़ी ज़्यादती है आम पब्लिक के साथ, इसी तरह से 60-70 कमरे जो हैं हम यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में बनाएं, ताकि ये सारे जो ट्रैफिक का क्लटर है वो हम अवॉइड कर सकें। मगर ये सारे टाइम कंज्यूमिंग है, असल में मैंने अपने आप को 6 महीने दिए हुए थे कि इसमें सब चीज़ें कर लूँगा, मगर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये खासा मुश्किल काम है। सो अगले 8-10 महीने में आपको ये जो ट्रैफिक के मसले मसाइल है ये हल हो जाएंगे, और हम वहीं पे रखेंगे, क्योंकि वो जब जूनियर PSL कराएंगे, सो आइडिया ये है कि एक पेरेंट को हम टिकट देंगे। सो अगर ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 का कोई बच्चा आएगा तो उनकी सिक्योरिटी और उनकी कम्फर्ट के लिए ज़रूरी है कि आप उनको बिल्कुल ग्राउंड के पास उनके रिहाइश करवाएं, ताकि वो कंफर्टेबल फील करें। और ये बड़ी एक चीज़ थी जो कि अप्रूव करवाई है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से, और तो बस यही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अच्छा रमीज भाई, इमरान फ्रॉम डॉन न्यूज़ जी। रमीज भाई, दुनिया भर में क्रिकेट हो रही है, वर्ल्ड कप अभी हुआ, IPL भी हुई, बिग बैश भी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ
दो मरतबा कोरोना की वजह से पीएसएल जो है वो मुलतवी हो चुका है, अभी ये थर्ड टाइम हुआ है और शायद हम वाहिद कंट्री है जहाँ कोरोना की वजह से तीसरी मरतबा कोई क्रिकेट जो है वो आपको पोस्टपोन करनी पड़ी है, तो आपने क्या स्पेशल किया है पीएसएल के लिए कि आप पूरी पीएसएल यहाँ पर हो? एक तो आपने बता दिया कि पूरा होटल बुक कराया है, करंटीना आप किस तरह से करवाएंगे, किस तरह से आप उसको स्ट्रिक्ट करेंगे कि ये जो तीसरी मरतबा होगा अगर ये पीएसएल में कुछ हुआ कि पूरी हो पाकिस्तान में, क्या आपने ऐसे स्पेशल एग्जाम? देखिए, एक तो टाइम किसी के पास नहीं है, आइडली स्पीकिंग तो आपका क्वारंटीन पीरियड लंबा होना चाहिए ताकि जो भी केसेस हैं जो कि कहीं बाहर से कैरी करके आ रहे हैं, अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है तो पता चल जाए, बट क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं तो हम जो उस लिहाज से, असल में ये जो टोक्यो ओलंपिक्स का जो कोविड की एक ड्रिल है वही हमने इनेक्ट की हुई है, सो जब यहाँ पे टीम आती है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एक कि अगर कोविड किसी को हो भी जाता है तो उसको हम आइसोलेट कर देंगे और मगर शो मस्ट गो ऑन। ये एक बड़ी यूनिक सी सिचुएशन हो गई थी कि उनके पास प्लेयर्स ही नहीं बचे थे, सो जब प्लेयर्स नहीं बचे तो फिर मज़ा भी नहीं आना था खेलने का, और चार प्लेयर्स उनके और आई थिंक हुए हैं पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव हुए हैं जाके वेस्ट इंडीज़ में। सो यहाँ पे यही है कि अगर आपको ऐसे किसी को कोविड भी हो जाता है उसको आइसोलेट करें एंड आगे बढ़ते रहें। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो एक को कोविड होता था तो बिल्कुल ही कलैप्स कर जाता था टूर्नामेंट, तो फिर जैसे मैंने कहा कि पूरा हमने होटल बुक करवाया और मतलब है हर फ्लोर के ऊपर विल मेक श्योर कि वहाँ पे भी यू नो माइक्रो मैनेजमेंट हो, बाहर दरबान रखेंगे, यू नो इनके ऊपर इनको बार बार बताएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के इमेज के लिए और हमारी लीग के लिए। ये तो देखें, ये एक एटीट्यूड की बात है, ये एक सेल्फ प्रिजर्वेशन भी है। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोविड हो, एक बड़ा सिंपल सी बात है, हम अपने रिलैक्स कर देते हैं और समझते हैं कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अभी ये ज्ञान नहीं है अनफॉर्चुनेटली ये जो है थ्रेट। तो पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में ही रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था यहाँ से उठा के बाहर, क्योंकि वो फिर कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है फैंस की भी और कमर्शियल की भी। अस्सलाम वालेकुम शेख जट, मेरा नाम है। आपके कमांडो एक्शन का पूरा पाकिस्तानी मुतारिफ है, हर बंदा तारीफ कर रहा है, हम भी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आप काम ऐसे कर रहे हैं। दो सवाल आते हैं, पहला सवाल ये कि क्या इन खबरों में सदाकत है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सैलरीज के हिसाब से कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि जिनकी सैलरीज बड़ी है उनको फारिग करें कि क्रिकेट बोर्ड पर लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है? दूसरा ये कि आपने बड़ा अच्छा विजन बयान किया कि आप 100 लोगों का एक पूल तैयार कर रहे हैं, लेकिन मीन वाइल कुछ क्वेश्चन है कि अगर वर्ल्ड कप में आप देखें बेंच स्ट्रेंथ बेंच पे बैठी रही, पाकिस्तान क्वालिफाई भी कर गया तो भी लड़कों का समाया नहीं, बांग्लादेश जैसे वीकर ओपोनेंट के खिलाफ आप ज्यादा तब्दीलियों के साथ नहीं गए, फुल स्ट्रेंथ के साथ गए हैं, वेस्ट इंडीज यहां पर आई उनको भी कहा जा रहा था कि उनके पास स्टार प्लेयर्स नहीं, वहां भी हम ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ के साथ गए। रोहिल नजीर का केस है कि वो एक सीजन में ए टीम का के साथ होता है, अगले टूर पे वो टीम के साथ ही नहीं होता। कामरान गुलाम उनको मौका नहीं मिलता, तो नीचे तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उन लोगों को बेंच पे बैठ के ही वापस आना पड़ रहा है, तो आप नहीं समझते कि नीचे से स्टार तैयार कर रहे हैं ऊपर उनको मौका ही नहीं मिलेगा तो सुपरस्टार या रियल स्टार कैसे बनेंगे? देखिए, सैलरीज पे कोई हमला होने वाला नहीं है, वो जो करना था वो कर दिया। तो समीउल हसन की हालांकि सैलरी बहुत ज्यादा है, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी इनकी कम की जाए। सो जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव भी आए हैं इनकी सैलरी ठीक ठाक है, इनको मैंने बताया नहीं अभी, बाय द वे ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे बताएं तो सही, मेरी मैंने अभी छुपाई हुई है। सो दूसरी जो चीज़ है वो है, आपने कहा कि मौके कम हैं जो कि बेंच प्लेयर्स हैं। देखिए, इसमें अब दो तरह से ये गेम को आप देख सकते हैं, एक तो मुद्दतों के बाद आपका कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो अच्छी टीम से आप हमारी टीम देख लें और दी 80s अप टिल द 90s कि उसमें रद्दो बदल जो था वो एक दो जगह पे होता था बट न्यूक्लियस वही था। सो ये ठीक भी है और नॉट सो ठीक भी है, इसको दोनों तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपका विनिंग मोमेंटम है और अभी आपकी, क्योंकि मैंने जो बाबर आजम से बात की थी मैंने क्या ये कहा था कि देखो जीतना जो है ना वो हर वक्त गारंटीड नहीं होता, मगर आपको फैंस की एक्सपेक्टेशंस बढ़ानी है कि इस टीम में वो बिलीव कर सकें और उसमें फिर करने के लिए आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है
और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए फिर आपको जीतना भी एट टाइम्स पड़ता है, या फिर जैसे ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था कि लड़के हार गए, तो लोगों ने कहा ठीक है आपने बेस्ट फाइट की, नहीं हो सका। सो ये जो जीतने का मोमेंटम है ना, मैं इसके अभी फेवर में हूँ शोएब। मेरा ये ख्याल है कि इसको और देर चलना चाहिए। जब आप पूरी तरह से कम्प्लीटली दुनिया में नाम बना लें, जब आप ऑस्ट्रेलिया को यहाँ शिकस्त दें, न्यूजीलैंड को मारें, इंग्लैंड को मारें, उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स इन्वायरमेंट में जा सकते हैं, फिर आपकी एक सेकेंड टीयर जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो सकती है। सो दूसरा ये कि जब मैं मतलब एज अ क्रिकेटर मैं बता रहा हूँ, मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होती है कि जो हमें भी टैलेंट जांचने के लिए जो है ना वो नए प्लेयर्स को आजमाना चाहिए, क्योंकि टेम्परमेंट क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। टैलेंट सबका गिवन होता है, मगर जो मौके के ऊपर कलैप्स कर जाए ना, फिर वो बड़ा प्लेयर नहीं बन सकता। सो हमें देखना है कि जो बेंच प्लेयर्स हैं इनमें टेम्परमेंटली कितने स्ट्रांग है। सो ठीक करें, मेरे ख्याल से एक आधे को कभी चांस मिल जाता है, बट ओवरऑल थीम जो है वो यही है कि अभी जो है ना एक्सेलरेटर से पैडल मत हटाएं। अभी जीत रहे हैं आप, ये कॉम्बिनेशन बना बहुत मुद्दतों के बाद आपका ये कॉम्बिनेशन बता है, यानी कि हम सबको अब पता है कि आपके ओपनर कौन है, वो किस स्पीड से खेलेंगे, तीन पे क्या, चार पे क्या होने वाला है, आपका एक आइडिया हो रहा है एक सीक्वेंस का। जैसे मैंने कहा ना कि 50 ओवर्स और टेस्ट क्रिकेट में बहुत अभी रूम है फॉर इम्प्रूवमेंट, और उसमें फिर आप एक्सपेरिमेंट अभी भी थोड़े बहुत कर सकें। मगर जो ये बांग्लादेश में जीत के आए हैं वो टीम स्पिरिट और इनक्रेडिबल एक फोकस की वजह से जीते हैं। सो मैं ये चाहता हूँ अभी ये कंटिन्यू करें। हम लेफ्ट साइड पे वापस जाएंगे, बट वी आर रनिंग अ लिटिल बिट टाइट ऑन टाइमलाइन, तो लेट्स एक्सपेक्ट। छोटे सवाल का जवाब रमीज साहब। जी सर, कैसे हैं आप? इकबाल जमील फ्रॉम फाइनेंशियल डेली। रमीज साहब, मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपको एक लेगेसी में बड़ी जबरदस्त चीजें मिली हैं। आई वाज वंडरिंग इन द मॉर्निंग कि दिस वाज द 67th बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग एंड स्टिल वी आर डिबेटिंग अबाउट डोमेस्टिक क्रिकेट। नाउ यू केम अप विद बिल्ट इन क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, फिर लोगों को नमाज भी पढ़ाना है, इखलाकियात भी करनी है आपको, हाँ मुस्तनसन तावर को भी बुलाना है। आप मुझे ये बताइए, इतनी सारी, देखें देयर आर टू वेज ऑफ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, मिस्टर फैसल मस्ट बी नोइंग इट अबाउट दैट। मुझे भी थोड़ा सा आइडिया है। हाँ, नहीं आपको तो ज्यादा आइडिया है। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस टू आर डिफरेंट थिंग, हाउ यू आर गोइंग टू कोप विद दैट, कैसे? ऐसा ना हो इससे पहले तो मैं क्या करूं, आप बताएं। नहीं, मैं कैसे बताऊं? नहीं, आप में मुझे सवाल की समझ नहीं आई है। मेरी सवाल की समझिए कि एक साथ चीजें आप कैसे कोप करेंगे, ये तमाम चीजें। इसीलिए तो मैंने कहा है कि आइडियाज मेरे इतने हैं कि मुझे 3 महीने का अरसा लग रहा है, मैं 30 साल से यहां हूं, इसलिए कि मुझे ये 30 चीजें अगले 5 मिनट में करनी है। और ये जो स्पीड होती है ना ऑफ द बॉस आप कह लें या चेयरमैन, ये स्पीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। सो इनको अभी खासे झटके लगे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वो जब मैं पूछगिछ करता हूँ ना हर दिन 5 कामों की, तो फिर देखें इस वक्त जैसे मैंने कहा आपकी प्रायोरिटी सेट करनी है। सो आपकी प्रायोरिटी में है पाकिस्तान टीम नंबर 1, क्योंकि जब तक के टीम आप ठीक नहीं खड़े करेंगे कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती है, और इसके डायरेक्टली लिंक्ड हैं ये। दूसरी है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, पिचेस हैं, आपकी स्कूल क्रिकेट है, आपकी पाथवे क्रिकेट है, इनको यू नो सबक भी देने हैं, जो आजकल किससे कहानियां चल रही हैं। सो ये अगर आपकी टीम एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाती है तो ये सारे काम मैं नहीं करूँगा, ये फैसल साहब और इनकी टीम भी करेंगे, ये भी थोड़ा सा हाथ बटाएंगे। मगर आपकी प्रायोरिटीज़ पहले सेट होनी है, और वो प्रायोरिटीज़ मेरे जहन में बिल्कुल क्लियर है। अनफॉर्चुनेटली इसलिए शायद मैं कई क्रिकेटर्स से मिल भी नहीं सका हूं, क्योंकि इस वक्त जो पहले मैं ये किबला दुरुस्त कर लूं जरा, जो मैंने कहा था ना कि GPS रीसेट करना है, और उसके बाद फिर हम रिलैक्स होके और जूम मीटिंग्स कर सकते हैं विद आर ग्रेट्स, ताकि उनके भी हम इनपुट लेके कि कहां और गुंजाइश रह गई है। बट जो मेरी समझ में आती है कि पिच जो है वो आपका बेस है टू परफॉर्म। सो हमारी पिचेस ही नहीं है, आपको पता है 95-99% क्लब क्रिकेट जो है उसमें आप स्पाइक्स नहीं पहन सकते हैं। तो मुझे बताएं जब, और स्पाइक्स पहनने के लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है, वो आपके सिस्टम को जोल्ट होता है, कई दफ़ा आपके घुटने जो है वो उड़ जाता है क्योंकि आपके स्पाइक्स फंस जाते हैं। तो वो अगर आप छोटी एज से नहीं आदत डालेंगे तो फिर पिचेज ही हैं, तो पिचेज पे आपको इन्वेस्ट करना है, फिर आपको फर्स्ट क्लास सिस्टम में पैसा और लाना है, और इसमें कोशिश करेंगे कि हर साल इनके कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हों ताकि ये मज़े के साथ, इनको मज़ा आए क्रिकेट का सीज़न खेलने का। और
जैसे मैंने कहा हमारी अंडर 19 है, हमारा एशिया कप है पाकिस्तान का, सो बहुत इवेंट्स हैं, तो हमारे एक टॉप क्वालिटी की टीम बनाने के लिए और फ्यूचर के लिए ये प्रायोरिटीज हैं जी। जी देखिए जी, आरिफ हबीब साहब के 37 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने देखी है। इसके अलावा हम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक आप समझे कि पाथवे क्रिकेट फाउंडेशन बनाएंगे, दुनिया के बेस्ट कोचेस लेके आएंगे, उनका जो खर्चा होगा वो हम एक अपना कमर्शियल पार्टनर से करवाएंगे। आपको जो ऑल पाकिस्तान टैलेंट हंट है वो एक बहुत बड़ा जॉइंट कर रहा है, उनके साथ हमारी